चल दोस्तों, आज हम लोग देख रहे थे क्लास 10 के जो मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जैसा, उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये जरूर एग्जाम में चारों पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है 7 + 3√2 कौन सी संख्या, आपको ये बताना। प्रश्न तो आप पढ़ ही सकते हैं ना, 7 + 3√2 कौन सी संख्या बताना। एक बार और समझिए, क्वेश्चन है 7 + 3√2। अब देखो, सिर्फ 7 की बात करेंगे, 7 कौन सी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। अगर सिर्फ ओनली 3 की बात करेंगे, 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन रूट टू कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप तो सिद्ध भी कर चुके ना, रूट टू अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री अपरिमेय संख्या है, रूट फाइव अपरिमेय संख्या है। तो भाई यहां 7 और 3 देखी जाए तो परिमेय हो गया, लेकिन रूट टू कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय। अच्छा, एक बात समझिए, हमारे पास अमृत है और विष है। सोचो अमृत में, अगर मान लो कि हमारे पास ढेर सारा अमृत है और उसमें विष का अगर एक बूंद में मिला दूं तो क्या बनेगा। देखो, बहुत सारा अमृत तो है और उसमें विष का अगर एक बूंद भी मैं मिला दे रहा हूं तो पूरा अमृत क्या बन जाएगा, विष बन जाएगा। उसी प्रकार से 7 और 3 तो भाई परिमेय है, लेकिन रूट टू अपरिमेय, उसको तनी मनी मिला देंगे ना, पूरा वो अपरिमेय बना देगा। जैसे परिमेय संख्या अमृत का काम कर रहा है और अपरिमेय संख्या विष का काम कर रहा है, तो भाई अमृत में जब भी विष मिलाएंगे तो विष बनेगा, और सही परिमेय संख्या में जब भी अपरिमेय संख्या मिलाएंगे तो कौन सी संख्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ करिए, घटाव करिए, गुणा करिए या भाग करिए, सब अपरिमेय संख्या आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 7 + 3√2 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, आपको बताना है। रूट फाइव परिमेय संख्या है क्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं है, ठीक है ना। 2√3 भी आपका अपरिमेय संख्या, 4 - √5, क्योंकि देखो सब में अपरिमेय आ रही है। अगला देखो, डी नंबर, √16 दिया, तो √16 को आप ब्रेक भी तो कर सकते हैं ना भैया। देखो यहाँ पर √16 है, √16 को आप लिख सकते हैं 4 × 4, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। आप मालूम है, वर्गमूल में जब जोड़ा लग जाता है देखो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से 4 का जोड़ लगेगा, 1 4 बाहर निकल जाएगा। क्या 4 रूट में बच रही है, नहीं बच रही है, इसका मतलब 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। यानी आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 16 का रूट बाहर निकल सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोले, ए यदि ए और बी, ध्यान दीजिए, यदि ए और बी का बी अभाज्य संख्या है तो बताना ए और बी का मशक क्या होगा। अभी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया है, बोलता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसक क्या होगा, मशक क्या होगा, हमेशा पूछते रहता है। अब चलो इस पर गौर करते हैं। देखो, ए और बी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक और अपने आप से भाग लगे, यही ना होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लोग फोकस करें, ए का फैक्टर करेंगे तो ए गुना 1 आ जाएगा, बी का फैक्टर करेंगे तो बी गुना 1 आएगा, यही ना आएगा, इससे ज्यादा आ सकता है। देखो, ए और बी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर। देखो, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक से और अपने आप से भाग लगती है, बी में एक से भाग लगेगा और अपने आप से भाग लगेगा, ठीक है ना। तो ए और बी अभाज्य संख्या, तो हमें ए और बी का लसा निकालना है, कभी काल मसा भी पूछ देता है, दोनों बातें आप समझ लीजिए। देखो, ए और बी का हमें क्या निकालना है भाई, लसा निकालना है। देखो, ए और बी का फैक्टर कर दिया, सबसे पहली बात, अगर मसा पूछेगा, देखो मसा क्या, ए का मैंने फैक्टर कर दिया ए गुना 1, बी का फैक्टर कर दिया बी गुना 1। अगर मसा पूछता, मसा मतलब एचसीएफ पूछता कि भाई इसका एचसीएफ कितना होगा, तो बताए थे मसा निकालने का तरीका कि जो दोनों में मिलेगा वो मसा, तो दोनों में ए और बी ना मिलेगा, तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसका मसा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन अगर करेगा कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इन दोनों का मसा क्या होगा, तो मसा 1 होगा। लेकिन अगर यह पूछ दिया आपका लसा क्या होगा, तो बता दिया गया लसा क्या होगा। देखो, ए और बी अभाज्य संख्या है ना, तो क्या करेंगे, लसा निकालने के लिए दोनों को गुणा कर देंगे, हो गया आंसर। मान लो अगर बोल दिया आपका कि बोल दे रहा है कि 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इसका लसा निकालिए, कुछ नहीं करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15। बोलेगा 9, बोलेगा आपसे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि 7 और 11 अभाज्य संख्या है, 7 और 11 अभाज्य संख्या है, इसका लसा निकालिए, तो लसा निकालने के लिए आंख मूंद के गुणा कर देंगे, 7 × 11 गुना करिए 77 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बस इतना ध्यान देना है कि यदि लसा और मसा निकालने के लिए बोले, एग्जांपल समझे ध्यान से, अगर मान लो 2 संख्या है, एक बोला है कि मान लो कि 3 और बोला है 5, ये अभाज्य संख्या है, तो इनका मसा निकाले, तो जब भी अभाज्य संख्याओं का मसा निकालेंगे, मसा मतलब एचसीएफ निकालेंगे, 1 आएगा। लेकिन उसका लसा पूछेगा तो उसका गुणा कर देंगे, आपका लसा आ जाएगा, कभी गलत नहीं हो जाएगा, ये ट्रिक है, समझ मारिए। तो मसा हमेशा अभाज्य संख्या का 1 आता है और लसा गुणा कर देंगे निकल जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो सोचो, ए और बी का हमें क्या निकालना, लसा निकालना, ये ससुरी दोनों का गुना कर देंगे, ए और बी का गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
दो लगातार संख्याओं का मसा निकालना, कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, 90, 91, 3, 4, 8, 9 लगातार का मतलब ठीक उसके बाद आनी चाहिए, कोई भी ले लेते आप, बोल दिया ना कि दो लगातार संख्याओं का मसा, मान लो मैंने ले लिया 8 और 9 ले लिया, लगातार है ना जी। अब 8 के बाद 10 लेंगे तो लगातार नहीं होगा, 9 के बाद 10 लेंगे तो लगातार हो जाएगा, तो 8 और 9 का मान लो हम मसा निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात क्या आ रही है, इनमें लॉस हमें क्या निकालना, मसा निकालना है। अब मसा कैसे निकालता है आपको मालूम तो होनी चाहिए ना, मसा कैसे निकालते, दोनों का फैक्टर कर दो, 8 का फैक्टर कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2, साथ में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 सबके गुना में छुपल रहता है, और 9 है तो 9 को फैक्टर करेंगे 3 गुना 3 गुना 1। ध्यान दीजिएगा, अब देखो हमें मसा निकालना भाई, हमें मसा पूछ रहा है, तो मसा निकालने के लिए जो दोनों में मिलेगा वही तो एचसीएफ होता है। देखो दोनों में 2 मिल रही है, 3 2 मिल रही है, 2 मिल रही है, नहीं मिल रही है, दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही है, लेकिन एक ऐसी संख्या जो मिल रहा है वो कौन सा है, 1 है, कौन सा है, 1 है, वो कौन सा है, 1 है, यानी इसका अगर मसा निकाल देते ना बुआ तो इसका मसा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जब भी कोनो दुगो लगातार आप संख्या लेकर चलिए, कुछ भी 500 501, 300 301, समझ में आ रही है, केवल 300 के बाद 500 मत उठा लीजिएगा, तो लगातार संख्या ना होता है, लगातार संख्या का मतलब क्या होता है, ठीक उसके बाद आना, ठीक उसके बाद आना, ठीक क्या उसके बाद आना, जैसे 4 के बाद क्या उठाएंगे, 5, तो जब भी लगातार संख्याओं का मसा निकालेंगे तो वो आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा क्लियर हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन है, बोला 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे, मतलब 5005 को जब ब्रेक करेगा तो उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं आ सकती है, ये आपको बता देनी है। तो भाई फैक्टर तो आती है ना, फैक्टर कर दो ना, आंसर निकल जाएगी। चलो हमें पूछ रहा है क्या, ध्यान देने वाली बात, देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो ना तो दिमाग में पहले ये बैठाओ आप कि भाई क्वेश्चन कह का रहा है, बात समझ के आंसर आ जाएगी। अब आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, आपका टीचर कितना समझा रहा है, कितनों समझा रहा है, आपको समझ आईवे नहीं कर रहा, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। देखो मेन बात होती है समझना, समझ गए तो मजा आएगी, नहीं समझ गए तो याद करिए, रटिए, वो रटी हुई चीज कभी काम नहीं आती है। तो समझिए, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रही है, क्वेश्चन बोला है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो चलिए फैक्टर करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा, 5005 का फैक्टर तो भैया करने आता है ना, देखो यहां हम करते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट किसे लगाएंगे, 5 से लगा दें, किसे लगाएंगे, 5 से। देखो 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5 कितनी आ गई, 1001 आ गई। क्या अभी ये कटने वाली है, तो 1 है तो या तो 3 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा, नहीं तो 11 से कटेगा या 13 से कटेगा, कटा कर देखो कट रही है कि नहीं, 3 3 9 बचेगा 1, 3 3 9 बचेगा 1, अभी नहीं कटने वाला है, 7 से कटा कर देखो, 7 एकम 7, ध्यान दीजिएगा, समझिए आप, 7 एकम 7 बचेगा कितना, 3 बचेगा, 7 एकम 7 बचेगा कितना, 3 बचेगा, 3 पर 0 बैठाएंगे 30 हो जाएगा, तो सच्चों को 28, हाँ जी ये 7 से कट जा रही है, तो 7 से इसको हम कटा दे रहे हैं, 7 से, 7 एकम 7 3 0 30 हो जाएगा, ठीक है ना, सच्चों को 28, 2 1 21, 17 21, 100 कितनी आ गए, 43 आ गए। क्या अभी ये किसी से कटने वाला, 3 से देखते कटा कर, 3 से नहीं कटेगा, 3 चौके 12 नहीं कट रही है, अब देखते हैं किससे कटने वाली है, किससे कटने वाली है, 7 से देख रहे हैं, 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से देखिए कट रही है कि नहीं, 11 से कट जा रही है, 11 से कटा देते हैं इसको, 11 कम 11 बचेगा 3, 3 पर 3 33 गलती है 33, फिर डायरेक्ट 13 से लगा दीजिए, 13 कम 13। तो भाई 5005 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ये कितने, ये चारों जो है ना अभाज्य संख्या, क्योंकि 5 में भी एक और अपने से भाग लग सकता है, 7 में भी वही होगा, 11 में भी वही होगा, 13 में भी वही होगा, ये सब कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे, तो वो आपको ऑप्शन देख सकते हैं, 1 2 3 4, आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। तो बाबू जब भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो ना, दिमाग से सॉल्व करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए ये 5 क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आ गई होगी, तो बस अगले वीडियो में हम लोग इससे भी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।